अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ दावत के लिए बनाने के लिए कुछ रेसिपीज़ शेयर करूंगी। सारी रेसिपी देखने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी। और एक दिन पहले से हमने जो प्रिपरेशन करी थी वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलें हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दावत से एक दिन पहले मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, इससे बहुत सारा टाइम हमारा बच जाता है। तो हम फ्रीज़ करने वाली चीज़ें एक दिन पहले ही बना कर रख लेंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं शाही रोल। इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम यानी आधा किलो बोनलेस चिकन, और इसमें डालेंगे हम 15 से 20 हरी मिर्चें, 2 छोटे चम्मच इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 छोटे चम्मच हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्चें, फिर 1 छोटा चम्मच डाल देंगे इसमें काली मिर्चें। अब इसका ढक्कन लगा के बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। और इसमें से मैंने थोड़ा सा मसाला निकाल लिया है, क्योंकि अब इसमें हम डालेंगे ब्रेड। तो जार में मसाला ज़्यादा था, जिसकी वजह से ब्रेड डालने के बाद और ज़्यादा हो जाता और अच्छे से पीस नहीं पाता, इसलिए हम आधा मसाला निकाल लेंगे। तो इस मसाले में अब हम डालेंगे 4 से 5 ब्रेड, और ब्रेड के स्लाइसेस हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे। वापस से हम इसे पीस लेंगे। तो जो मसाला पिस गया है उसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब जो आधा मसाला उठाया था उसे जार में डालेंगे, और इसमें भी 4 से 5 ब्रेड डालकर इसे भी बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। अब इसे भी हम बाउल में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें खड़ी हरी मिर्ची डाली थी, जिसकी वजह से मिर्चियाँ ठीक से पिस नहीं पाई। तो आप खड़ी हरी मिर्ची की जगह हरी मिर्ची का पेस्ट डालें, या मिर्ची को छोटा काट कर डालें ताकि वो अच्छे से पिस जाए। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप पिघला हुआ मक्खन यानी मेल्टेड बटर। बटर डालने से रोल बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। फिर इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया डाला है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब रोल बनाना हम शुरू करते हैं। तो एक बटर पेपर लिया है मैंने, उस पर लगाया थोड़ा सा तेल। तेल लगाने से रोल इस पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तैयार किया हुआ चिकन मसाले का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरह से हाथों से फैला लेंगे इसे प्रेस करते हुए। अब इसके साइड के कॉर्नर्स को हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसके सेंटर में हम रखेंगे चीज़ का स्लाइस। तो यहाँ पर मैं आधे चीज़ का स्लाइस रख रही हूँ, आप पूरा चीज़ का स्लाइस भी रख सकते हैं। आप इस तरह से इसे रोल कर देंगे, और चीज़ को पूरी तरीके से हमें मसाले से पैक कर देना है। खुला बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो फ्राई करते टाइम चीज़ बाहर आ जाएगा। तो अच्छे से हमें चीज़ को कवर कर देना है। और अगर आपको मसाला थोड़ा सा कम लगे तो आप थोड़ा सा और ले लें। अगर थोड़ा सा भी आपको चीज़ दिख रहा है तो आप उसके ऊपर मसाला और लगा दें, और इस तरह से रोल बनाकर तैयार कर लें। बाकी बचे हुए रोल भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो रोल हमने बनाकर रख लिए हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए हम चीज़ें तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कोटिंग के लिए लिया है मैंने 3 अंडे, और अपने हिसाब से अंडे ले लें जितनी ज़रूरत हो। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक, अच्छे से इसे फेंट लेंगे। तो फर्स्ट कोटिंग करेंगे हम अंडे से जो हमने अभी फेंट कर रखे हैं, और सेकेंड में हम करेंगे ब्रेड क्रम्ब से इसकी कोटिंग। तो इस तरह से ब्रेड क्रम्ब से इसे अच्छे से कोट कर देंगे। तो रोल हमने बनाकर रख लिए हैं सारे। अब इसे एक एयर टाइट कंटेनर में हम स्टोर करके रख देंगे फ्रिज में, और ये 1 वीक के लिए आप इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। और इतने मसाले से आपके 30-40 रोल्स आराम से बन जाएंगे। आप चाहें तो इसे जिपलॉक बैग में भी स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी आपको फ्राई करना हो इसे फ्रिज में से बाहर निकाल कर डायरेक्ट तेल में फ्राई कर सकते हैं। तो इसे अब हम फ्रिज में रख देते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक रोल फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो जब भी आपको इसे फ्राई करना हो इसे तेल में डाल दें, डीप फ्राई कर लें इसे, और ज़्यादा तेज़ गर्म तेल में भी नहीं डालना है इसे, नहीं तो ये फौरन से जल जाएंगे। तो इसे मीडियम फ्लेम पर हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, हाई पर नहीं करना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए सिर्फ मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करना है। तो बहुत ही चीज़ी से रोल बनकर तैयार होते हैं। तो आप इन रोल्स की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अब हम बनाते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी। नेक्स्ट अप बनाएंगे यहाँ पर हम चिकन के समोसे। इसे भी हम बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल, तेल। तेल गरम करेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे प्याज, और ये 700 ग्राम प्याज ली है मैंने। इसे बिल्कुल फाइन चॉप करके और इसका सारा पानी निकाल कर डालना है। प्याज को चॉप करके एक सूती कपड़े में डालकर इसका सारा पानी निचोड़ लें।
सारा पानी निचोड़ने के बाद इसे इस्तेमाल करें। अब प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, बस इसकी स्मेल चले जाए तब तक इसे फ्राई करेंगे। फिर इसमें डालेंगे हरी मिर्च, जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और हरी मिर्चों को चॉपर में बिल्कुल फाइन चॉप करके डालेंगे। और इसमें हरी मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हरी मिर्चें ज़्यादा डलती हैं, लाल मिर्चों का इस्तेमाल कम होता है, लाल मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल इसमें कम होता है। हरी मिर्ची के साथ प्याज को 5 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। फिर इसमें हम डालेंगे चिकन का कीमा डालेंगे इसमें, तो 500 ग्राम यानी आधा किलो चिकन का कीमा डाला है मैंने इसमें। आप रेडीमेड कीमा भी डाल सकते हैं या घर में बोनलेस चिकन को पीसकर उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसे मैंने घर में ही पीसा है। चिकन डालने के बाद इसमें डालेंगे हम पाउडर मसाले, तो अपने हिसाब से इसमें पाउडर मसाले डाल दें। तो यहाँ पर डाली मैंने 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर। फिर इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और अब इसमें हम डालेंगे चिकन स्टॉक क्यूब। तो यहाँ पर मैंने 2 स्टॉक क्यूब डाले हैं और ये मेरे पास पहले से थे तो मैंने डाल दिए हैं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। और चिकन समोसे की रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब कीमे और सूखे मसालों के साथ इसे हम मीडियम हीट पर पकने देंगे और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कीमा अच्छे से गल नहीं जाता और इसका पानी पूरी तरह से सूख नहीं जाता। तो कीमा अच्छे से गल गया है और सारा पानी भी इसका ड्राई हो गया है। अब फिर से हम इसमें डालेंगे प्याज, तो यहाँ 3 मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल फाइन चॉप करके डालेंगे और इसका भी पानी निकाल कर ही डालेंगे। चिकन समोसे में प्याज ज़्यादा ही डलती है। प्याज के साथ इसे सिर्फ हम 5 मिनट पकाएंगे, प्याज को पूरी तरीके से गलाना नहीं है, सिर्फ इसकी स्मेल चले जाए इसलिए सिर्फ 5 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट पकाने के बाद गैस को बंद कर देंगे। तो चिकन के समोसे की फिलिंग तैयार है। अब ऊपर से इस पर डाल देंगे हम हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और अब इसे हम ठंडा कर लेंगे, उसके बाद समोसे फिल करेंगे। तो जब तक मसाला ठंडा हो रहा है हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो मैं आपको होममेड इलायची पाउडर की रेसिपी बता देती हूँ। इसे घर पर आप इजीली कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा इलायची पाउडर आप घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन में डाली है इलायची, तो ये 50 ग्राम यानी 50 ग्राम इलायची है। इसे हम लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे, तो इसे हम थोड़ा सा सेक लेंगे, इससे इसके ऊपर का पार्ट थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, ऊपर का छिलका थोड़ा सा कड़क हो जाएगा जिससे ये पिस जाएगा। तो बस इसका कलर चेंज होने तक हम इसे सेक लेते हैं और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है। तो बस इसका कलर चेंज हो गया है, अच्छे से सिक गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे। जब हल्का सा ठंडा हो जाएगा इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच चीनी, जिससे ये इजीली पिस जाएगा और चीनी डालने से ये बिल्कुल फाइन पाउडर में पिस जाएगा। अब लिड लगाकर इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो अच्छे से पिस गया है, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से और इजी तरीके से इलायची पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब इसे एक कंटेनर में स्टोर करके रख लेंगे। तो अब समोसे का मसाला भी ठंडा हो गया है, तो अब हम समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो समोसा शीट ले लेंगे, उसे लेफ्ट साइड से इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और उसके ऊपर लगाएंगे आटे की लई। तो थोड़े से गेहूं के आटे में पानी डालकर उसका गाढ़ा घोल बना लेंगे, तो लई बनकर तैयार हो जाएगी और ये हम समोसे को चिपकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब ये कोन के शेप में आ जाएगा, तो इसमें हम रखेंगे मसाला जो चिकन का हमने तैयार करके रखा था। अब बचे हुए साइड पर भी हम आटे की लई लगा लेंगे, आटे का घोल लगा लेंगे और इसे हम फोल्ड करके चिपका लेंगे। तो सारे बचे हुए साइड पर आटे का घोल लगाकर इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे और समोसे का शेप दे देंगे। और समोसे को बहुत अच्छे से हमें फोल्ड करना है, इसमें बिल्कुल भी होल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फ्राई करते टाइम तेल अंदर चला जाएगा। तो बस इसी तरीके से हम सारे समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो समोसे भी सारे बन गए हैं। अब इन्हें भी एयर टाइट कंटेनर में या जिपलॉक बैग में रखकर फ्रिज में स्टोर कर देंगे और जितना मसाला हमने बनाया था उतने मसाले से 50 से 60 समोसे इजीली बनकर तैयार हो जाएंगे। तो
तो अब इसे भी हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं और जब भी इसे फ्राई करना हो बाहर निकाल के आप डायरेक्ट तेल में इसे फ्राई कर सकते हैं। तो अब हो गया है नेक्स्ट डे। तो सबसे पहले हम पोटली पुलाव की यखनी तैयार करके रख लेंगे। इसके लिए मैंने लिया है एक वाइट कलर का सूती कपड़ा, उसमें रखेंगे कुछ खड़े मसाले। तो सबसे पहले मैंने लिए 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 4 से 5 बड़ी इलायची, 4 से 5 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग, 2 छोटे टुकड़े जावित्री के। अब डालेंगे इसमें 2 बड़ी चम्मच खड़ा धनिया, 2 बड़ी चम्मच सौंफ। फिर इसमें हम डाल देंगे एक प्याज जिसे इस तरह से हमने मोटा काट कर डाला है। अब इन सारी चीज़ों को हम कपड़े में बांध देंगे इस तरह से लपेट कर। इसमें गांठ लगा देंगे, एक नॉट लगा देंगे, और नॉट ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है और गिठान हमें ज़्यादा टाइट नहीं लगानी है, हल्की सी इसमें गिठान लगानी है। तो पोटली हमारी बनकर तैयार है। अब यहाँ प्रेशर कुकर में लिया है मैंने 1 किलो मटन और ये थोड़ा सा फैट वाला मटन लिया है पुलाव के लिए मैंने। अब इसमें जो पोटली बनाकर रखी थी वो डाल देंगे, वो रख देंगे इसके अंदर। अब इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच पिसा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट। फिर इसमें हम डालेंगे 2 ग्लास के करीब पानी। अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे चम्मच नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल दें। अब चम्मच से चलाकर अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। तो पानी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कम लग रहा था तो 1/2 ग्लास के करीब पानी मैंने और डाला है, तो टोटल 2.5 ग्लास पानी मैंने इसमें डाला है। अब इसकी लिड लगा देंगे, इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे और इसे तो अब इसे हम गैस पर चढ़ा देते हैं और इसे हम हाई हीट पर 1 सीटी आने तक पकाएंगे। फिर 1 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे 10 मिनट तक पकाएंगे, या तब तक पकाएंगे जब तक मटन अच्छे से गल नहीं जाता। तो जब तक हमारी यखनी बनकर तैयार होती है हम दूसरी चीज़ें बनाने की तैयारी कर लेते हैं।